बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम देखते हैं कि वुंड्स ऑपरेशंस जो होते हैं, हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो वुंड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें चार है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्लीन वुंड आता है, क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, कंटामिनेटेड वुंड, और नंबर फोर से डर्टी वुंड। तो कितने हुए? चार, ठीक है। चार में सबसे पहले क्लीन वुंड को देखते हैं। क्लीन वुंड इज़ देखें, अगर ऐसा वुंड होता है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें रैग नेगेटिव हो। रैग मतलब मैं निमोनिक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की एंट्री ना हो। फॉर एग्जांपल कोई हर्निया का ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, हर्निया का ऑपरेशन। इसमें हर्निया में ना ही हम रेस्पायरेटरी, ना ही हम एलिमेंट्री, ना ही हम जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक को एंटर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लीन वूम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये राग की एंट्री नहीं होती किसमें, क्लीन वूम में। फिर क्या होता है उसमें, एसेप्टिक एस्टेक, एसेप्टिक टेक्निक जो है उसमें भी ब्रेक ना हो, ठीक है। माइनस मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लेमेशन भी ना हो, तीन चीज़ें ना हो तो हम उसको क्लीन वुंड कहते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ना हो, एसेप्टिक टेक्निक में ब्रीच या फिर ब्रेक ना हो, और जो एलिमेंट्री, रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री और जेनाइटो यूनिट्रेक में एंट्री भी ना हो तो उसको हम क्लीन वुंड। क्लीन वुंड में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सॉरी रेट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, 2% होता है, ठीक है। तो इसको मैं निमोनिक के तौर पे कैसे बताता हूँ, दो में क्लीन करूँ, दो में क्लीन करूँ, या कोई चीज़ गंदी है आपके किसी दोस्त की, कपड़ा, रुमाल या कोई चीज़, तो उसको कहते हैं ना आप दो में क्लीन करूँ, तो वो फिर क्लीन वुंड, इस तरह आप याद रखेंगे। उसके बाद जो क्लीन कंटामिनेटेड, ठीक है, क्लीन कंटेमिनेटेड आता है। क्लीन कंटेमिनेटेड में हम रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक हम एंट्री करते हैं। इसमें एंट्री होती है और स्पिलेज नहीं होती, एंट्री होती है लेकिन स्पिलेज ना हो, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है। क्लीन कंटामिनेटेड वुंड में इन्फेक्शन जो रेट है वो कितना है, 9% है, 6 to 9% है, ठीक है। तो इसमें इसका निमोनिक क्या है, सी सी ज़ा नाउ, तीन ती है, नौ नहीं बोलते इस तरह, सी सी इज़ द थर्ड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश ना, तो 3 3 9, तो 6 से लेके 9 तक, 3 को प्लस करो और मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आता है और 9 आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। अब थर्ड में है हमारे पास कंटेमिनेटेड वुंड। अब देखें इसमें फिर इन्फ्लेमेशन आती है, तीन फ्लेमेशन, तीन फ्लेमेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कंटेमिनेटेड वुंड, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन होती है इसमें लेकिन पस नहीं होगा, पस नहीं होगा, और विजिबल कंटेमिनेशन ऑफ द वूंड होगी इसमें, विजिबल कंटेमिनेशन, ठीक है। इसीलिए इसको कंटेमिनेटेड कहेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेशन है, पस नहीं है, और क्या है, विजिबल कंटेमिनेशन है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल देखें, ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम अ होलो विस्कस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गट से या फिर स्टमक से ऑपरेशन के दौरान कोई चीज़ उसके कंटेंट स्पिल कर गए हैं तो ठीक है, ये कंटेमिनेटेड में आएगा। कंपाउंड ओपन इंजरीज ऑपरेटेड ऑन विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे से पहले अगर कोई ऐसा कंपाउंड ओपन इंजरी ऑपरेट हुआ है तो वो भी कंटेमिनेटेड में आता है, ठीक है। तो ग्रॉस स्पिलेज होती है इसमें, याद रखें, कंटेमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कंटेमिनेशन हुई है, ठीक है, तो वो कंटेमिनेटेड वुंड होता है, ठीक है ना। तो कंटेमिनेटेड वुंड को एक बार फिर देखें कि इन्फ्लेमेशन इसमें पॉजिटिव होती है, पस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, विजिबल कंटेमिनेशन पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो इसमें इन्फेक्शन रेट कितना होता है, 13 से 20%, यानी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं तो उससे आगे शुरू होगा, 13 से आगे, ठीक है। तो 13 से 20% इसका इन्फेक्शन रेट होगा। फिर हमारे पास डर्टी वुंड आता है। डर्टी वुंड ऐसे ऑपरेशंस जिसमें पस प्रेजेंट हो, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे पस नेगेटिव है, पस सिर्फ इधर आगे प्रेजेंट हो रही है डर्टी में, ठीक है। तो पस प्रेजेंट हो
ठीक है, और प्रीवियसली परफोरेटेड हॉलो विस्कस हो, ठीक है, पस प्रेजेंट हो, हॉलो विस्कस परफोरेट, जैसे डीयू रिपेयर, ग्राम पेज रिपेयर नहीं करते हम, डीयू, ड्यूडिनल अल्सर परफोरेशन, ठीक है, तो वो डर्टी वुंड होगा. कंपाउंड इंजरीज ऑपरेटेड ऑन ग्रेटर देन 4 आवर्स, ठीक है, तो इसमें क्या हम यूज कर, टाइम यू लेप्स कितना है, ग्रेटर देन 4 आवर्स हो तो हम इसको क्या कहते हैं, डर्टी वुंड कहेंगे. तो डर्टी 40 इज डर्टी, डर्टी इज 40, इन मेरा निमोनिक है, डर्टी इज 40, 40 डर्टी, सेम टाइप ऑफ साउंड है, तो इसमें इन्फेक्शन रेट कितना है, 40% है.